हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट किया था जिसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं ये चैप्टर है क्या। और अभी आप लोग बायोलॉजी पढ़ चुके हैं तो जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं जैसे साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो थोड़ा सा उसे लिंक करने की कोशिश करना कि जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था और केमिस्ट्री में भी थोड़ा जो टर्म्स हैं थोड़ी अलग होंगी लेकिन उनका मतलब वही होगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम होता क्या है, मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो एटम को हम थोड़ा लिंक करना आप सेल से। सेल क्या थी, जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। लाइक कोई मकान है, कोई घर है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कोई ईंट होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सेल थी। अब सेल के बाद हम एटम को उससे लिंक करते हैं। एटम क्या है, कोई भी हमारी कोई केमिकल एलिमेंट है। केमिकल एलिमेंट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम है क्या, एटम रेफर टू द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, अभी हम इसके बाद देखेंगे, पहले एक बार मॉलिक्यूल और देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है। जैसे हमारे पास ये कोई एक एटम है जिसका नाम हम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, कोई एक एटम है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। अब हमारे पास ये क्या है, एटम है, तो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो इसके पास प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। उनके पास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, ये बोल सकते हैं। अब इसी तरह से आता है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल होता क्या है, जब हमने टिशू चैप्टर स्टार्ट किया था तो टिशू को मैंने क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टिशू वो होता है जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है, उसे हमने टिशू का नाम दिया था। इसी तरह से यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल रेफर टू द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हेल्ड टुगेदर ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग। और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं किसके थ्रू, कोई केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे जिसे हमने नाम दिया मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे इसके हम एग्जांपल के लिए देखते हैं NaCl। Na क्या है, सोडियम है, सोडियम। और Cl क्या है, क्लोरीन या क्लोराइड। ओके, ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। अब Na जुड़ा हुआ है Cl से, एक ये हो गया हमारा Na, ये हो गया Cl। अब इन्हें जोड़ने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसके थ्रू ये जुड़े हुए होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इनकी कोई बॉन्डिंग है जिसे बोलेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। तो Na और Cl क्या है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड भी काफ़ी तरह की होती हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, आयनिक बॉन्ड होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन NaCl यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, अब यहाँ पे हमने NaCl का दो हमने एटम्स लिए अलग अलग तरह के, लेकिन जब ये कंबाइंड होके इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, जब ये दोनों जुड़ गए तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूल। और एटम हमने बोला एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट को। अब इसके बाद आता है एलिमेंट। हमने वहाँ पढ़ा था केमिकल एलिमेंट में जो सबसे छोटी इकाई होगी वो एटम होगी। तो अब एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट आर प्योर सबस्टांस। एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर सबस्टांस होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंगल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होंगे या एक ही टाइप के
एटम से मिलकर बने हुए होंगे तो उसे बोलेंगे हम एलिमेंट। इसके एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं ऑक्सीजन O2। O2 ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा, ये आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें डबल बॉन्ड होती है तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये हो गया। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, एक एलिमेंट बना। अब इसके बाद हम Cl2 देखेंगे, क्लोराइड Cl। N2 देखेंगे, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होंगी, 1, 2, 3 नाइट्रोजन। ये कैसे होती है ये आपको आगे देखना है, अभी आप ये जान सकते हैं अगर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे Cl2 के दो मॉलिक्यूल हैं, वहाँ हमारे नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के एटम्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने इसका एलिमेंट का नाम दिया। अब इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, जब यहाँ पे दो से ज़्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हों तो उसे हमने कंपाउंड नाम दिया। ओके, सो कंपाउंड आर सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर कोई फॉर्म सबस्टांस हमें मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अब इसके लिए हमने H2O एक हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो ये क्या है, एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, H2O, CO2, अमोनिया, NH3 ये सब क्या है, कंपाउंड हैं। ऑक्सीजन O2, C2, Cl2, N2 ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला, और इसके बाद हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल जब एक से ज़्यादा एटम्स मिलके कोई ग्रुप बना रहे होंगे तो उसको हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया। अब इसके बाद एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नर। महर्षि कन्नर थे जिन्होंने इसको परमाणु नाम दिया, परमाणु। ओके, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेमोक्रेट्स। इन्होंने क्या बोला, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को, एक सबसे अलग पार्टिकल निकाला, मतलब कोई भी उसमें से एक मैटर निकाला रिएक्शन में से, और उसको क्या बोला इन्होंने, पार्टिकल को एटम, जिसको कन्नर जी ने परमाणु वर्ड दिया उसी को इन्होंने एटम का नाम दिया। अब ये जो थे एंटोन एल लेबोइशर, इन्होंने दो लॉ दी, दो लॉ कौन कौन सी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ क्या कहती हैं एक बार हम ये देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मतलब है कि वो ना तो कहीं फॉर्म हो रही है और ना ही कहीं डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जितनी हमारे पास, मतलब ना तो वो कहीं से एकदम से बन गई और ना ही वो कहीं डिस्ट्रॉय होगी, जितनी है उतनी ही है। तो ये क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट मास नाइदर, जो हमारे पास कोई भी मैटर है वो किसका बना हुआ होता है, मास का, और उसके पास अपना वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या है, मैटर वो होता है जिसके पास अपनी खुद की डेंसिटी होती है, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था। तो वहीं से आता है कि दिस लॉ स्टेट दैट मास नाइदर वी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ना उसको कोई बना सकता ना ही उसको कोई ख़त्म कर सकता, इन अ केमिकल रिएक्शन, कहाँ पर, किसी केमिकल रिएक्शन में ना उसको बनाया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ये क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है एलिमेंट्स की, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है, ये एक डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जैसे आपके पास वाटर बन रहा है, वाटर क्या है, H प्लस O2 देन H2O। अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे किस तरह से, जैसे कि हाफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा दो है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, और टू मॉलिक्यूल के जाएंगे आपके हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या मिला H2O जो क्या है, वाटर है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसकी ये रिएक्शन बनेगी। अब हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन है और आधा
आधा यानी कि एक ऑक्सीजन है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास कितना बचा, एक ऑक्सीजन बचा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा कोई सबस्ट्रेट है, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया उतना ही हमें प्रोडक्ट मिला, जितना हमने सब्सट्रेट लिया उसी के अकॉर्डिंग हमें उतने ही अमाउंट में उसका प्रोडक्ट मिला। ये दोनों लॉ दी थी, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो हमारा मास डिस्ट्रॉय हो सकता ना ही क्रिएट हो सकता। सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, मतलब जो इसका प्रपोर्शन है, जो इसका अमाउंट है, वो दोनों ही साइड क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जितना हम सब्सट्रेट में लेंगे उतना ही हमें इसका प्रोडक्ट में मिलेगा। अब देखो, जैसे द रेशियो ऑफ मास ऑफ H2O टू, अब हम यहाँ पे H2O का मास ले रहे हैं, जैसे अभी इस रिएक्शन में दिखाया, तो इस रिएक्शन में जो H2O का जो अमाउंट होगा वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो कितना होगा, 1:8। ओके, तो स्टार्टिंग में हम इतना लेंगे तो एंड में भी हमें इसका इतना ही मिलेगा। सेकेंड अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें कितने मिलेंगे, 14:3 बाई मास इसका प्रपोर्शन मिलेगा। थर्ड है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका जो प्रपोर्शन मिलेगा इसके मास का वो होगा 3:8। ओके, इसके तीन एग्जाम्पल थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो कल क्लास करेंगे वो करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी, ये सब देखेंगे। आज का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।